सभी को नमस्कार। प्लस वन पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने लेसन 6 नागरिकता 3 भागों में देख चुके हैं, जिसमें हमने विस्तार से जाना कि नागरिक कौन है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या नियम हैं, विदेशी और नागरिक को जो अधिकार होते हैं उनमें क्या अंतर है। आज जो हम करने जा रहे हैं इस लेसन के जो मेन प्रश्न बनते हैं उन्हें देखेंगे कि इस लेसन में से कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का विषय लेसन 6 नागरिकता। आइए देखते हैं आज के मेन पॉइंट्स क्या हैं। मेन पॉइंट्स भी यही हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न्स भी यही हैं जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नागरिक का अर्थ बताएं। सबसे पहला जो इसमें बनता है वो है नागरिक का अर्थ बताएं। ये सारे प्रश्न जितने अब हम देखेंगे, जब हमने लेसन को किया 3 भागों में, तो उसमें उसके उत्तर हम देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आप इनमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं देख सकते। सबसे पहला देखिए, हमने कहा नागरिक का अर्थ बताएं। दूसरा प्रश्न, विदेशी नागरिक का अर्थ बताएं। तीसरा प्रश्न, प्रवासी का अर्थ बताएं। प्रवासी, आप सभी को ध्यान है ना कि जो काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं उन्हें हम प्रवासी कहते हैं। ऐसे ही शरणार्थी का अर्थ, जो किसी राजनीतिक या किसी गृह युद्ध किसी और कारण से अपना देश छोड़कर दूसरे देश की शरण लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शरणार्थी। उसके बाद नागरिक की विशेषताएं जो कि हमने लेसन में की थी कि किसी राज्य में निवास कर रहा हो, उसके पास अधिकार हों, कर्तव्यों का पालन कर रहा हो। चलिए उसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, नागरिकता प्राप्त करने के ढंग। आपसे बताया गया था कि रक्त संबंधी सिद्धांत के आधार पर, जन्म सिद्धांत के आधार पर, उसके अलावा दोहरी नागरिकता का नियम बताया गया था, एक हरी नागरिकता का नियम बताया गया था। जो रक्त संबंधी नागरिकता है उसमें माता पिता जहाँ के होंगे वहीं की बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें हमने पूरे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने पूछा कि नागरिकता को कैसे खोया जा सकता है। अगर हम कहीं विदेश में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं वहाँ पे, या प्रार्थना पत्र देकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, या कोई संपत्ति खरीद लेते हैं किसी दूसरे देश में और वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, तो हमारे देश की नागरिकता हमारे से समाप्त हो जाती है या खो सकते हैं हम लोग। नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है वो हमने डिस्कस किया था कि जो नागरिक हैं उसे नागरिक होने के नाते अपने देश में कुछ अधिकार मिले होते हैं, जबकि विदेशी को अधिकार नहीं होते। नागरिक को कुछ कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है और विदेशी को कोई जरूरी नहीं है। जो विदेशी है वो निश्चित अवधि के लिए वीज़ा लेकर आता है और वो वापस चला जाता है, जबकि नागरिक को देश से नहीं निकाल सकते हम लोग। तो ऐसे ही कुछ अंतरों के बारे में हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं आदर्श नागरिक के क्या गुण होने चाहिए। एक तो वो पढ़ा लिखा हो, सामाजिक भावना से परिपूर्ण हो, कर्तव्य परायण हो, प्रगतिशील हो, परिश्रमी हो, अपने मत का उचित प्रयोग करना जानता हो, कानून का पालन करने वाला हो, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये सब आदर्श नागरिक के गुण हैं। और अगर यही गुण नहीं है तो वो बाधाएं बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए अनपढ़ है, अस्वस्थ है, आलसी है, अकर्मण्य है, स्वार्थ की भावना वाला है, बेकार है, दलबंदी की भावना वाला है, तो वो सब नागरिकता के मार्ग में क्या है, बाधाएं बन जाती हैं।
इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ये जो कमियां हैं अगर हम उन्हें हटा दें तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे कि शिक्षा का प्रसार करके, अच्छे गुणों का प्रसार करके, समान अधिकार प्रदान करके। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जन्मजात नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब हम किसी देश में जन्म लेते हैं तो वहाँ की हमें नागरिकता अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। राज्यकृत नागरिकता से आपका क्या अभिप्राय है? अगला है, इसके अलावा कोई खास प्रश्न नहीं बनते, जितने प्रश्न थे वो सारे